और है जो हमें हमारे फीचर्स को एनहांस करना है, हम उसको फोकस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं तो से, समझ में नहीं आए कि मैं कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, कि ये जो खड्डा होता है ना, यहाँ तक आप करिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं, बहुत आगे तक भी आना है और दोनों तरफ इससे आपको एक बैलेंस मिल जाएगा। और ये शी शेप में तो दर्शन लेते हैं, इसको सी कब लेना होता है, इसको कई बार ये लाइन्स हम लोगों की जो है वो बहुत विजिबल दिखती रहती है, वो नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्लेंडिंग है वो ऑलवेज, किसी किसी का यहाँ पे डबल चिन होता है, तो यहाँ पे भी आपको डार्क कलर से इसको छुपाना है। छुपाने के साथ में इम्पोर्टेंट क्या है, ब्लेंडिंग। ये जिनकी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड चीन है उनको नहीं करना है, ये उन लोगों को करना है जिनकी पॉइंटेड हमें क्रिएट करनी है, राइट? किसी की मोटी चीन है तो हमें उसको किस तरह से क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको लिप्स क्रिएट करना है।
फीस है मेरी नजर आ रही, कहाँ फीस है कहाँ बेबीज है, राइट। खाना खाया है मैं दबा के, अब सो मत खाने के बाद नींद बहुत आती जल्दी हुई है, जल्दी से चाय की व्यवस्था करवा देना। जल्दी गायब आपके सारे प्लीज के बच गए हो। इस तरह से भी आप बैलेंस बना सकते हैं। पहले अपने फिंगर्स को सेट कर लो इस तरह से, क्योंकि हमारा जो सुपरा है उसके अंदर भी ऑर्गन ट्यूब्स होते हैं और उसकी वजह से हमें उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। तो हम लॉक करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं या हम टर्कम पाउडर यूज करते हैं, हम बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बनाना पाउडर अराउंड द हाइट करना होता है और सॉफ्ट फॉर्म में होता है। लेकिन ये चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर स्किन में येलो है तो आपको जो कॉम्पैक्ट या जो भी आप यूज करते हो उसमें भी येलो होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि उसमें फिर हमने एक में ध्यान रख लिया तो दूसरे में हमने ध्यान दिया, तो ये चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर,
से ले रही हूँ, मेरे ब्रश में आ चुका है, लेकिन मैं क्या करूँगी साथ में मैंने थोड़ा सा इसको स्मार्च कर ली थी साथ से। और डाइट चटनी आप लगा रहे हो सबसे पहले डायबिटीज से पार एक बार के लिए हमारा बेस कंप्लीट है। फाइनल टेस्ट पे जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और हम आई मेकअप की ओर बढ़ते हैं। अगेन मैं इसको थोड़ा सा लॉक कर रही हूँ। छोटी है तो हम बहुत बड़ा ब्रश नहीं लेंगे, मीडियम साइज का ब्रश लेंगे और न्यूड पैलेट में उठा रही हूँ। न्यूड पैलेट में से मैं
लाइटेड टोन पे जाऊंगी सबसे पहले, तो मुझे इसका जो बेस देना है थोड़ा सा पिंक टोन पे जाना चाह रही हूँ। मैंने मैट फिनिश में लिया है, राइट। नाउ अब हमें जब काम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम बेस बना चुके हैं, राइट। मैंने पफ यूज किया है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्टली 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 आपको ग्रेडेशन देना है। तो मैं उसे स्किन टोन दे रही हूँ, स्किन टोन लिया है रिच कलर, पहले मैंने पिंक लिया, उसके बाद मैंने रिच टोन लिया, आप चाहो तो कट क्रीज भी कर सकते हो। सेम फ्रॉम से जाना है आपको, पहले पिंक टोन, उसके बाद अपना पिच टोन, क्वांटिटी, आपके ब्रश का प्रेशर, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने किस प्रेशर से प्रोडक्ट उठाया है और किस प्रेशर से मैंने लगाया, दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको उसी के अकॉर्डिंग दोनों तरफ का बैलेंस चेक करना है। बैलेंस है या नहीं है, वो कम ज़्यादा है उसको बैलेंस करना। थोड़ा छोटा ब्रश लेना है मुझे और दो बलेटे निकालना है। पार्ट पे मैंने पीच कलर लिया है, लाइट टोन, वेरी लाइट पीच। सैटिन शेड की तरफ ले जाते हैं, और इसी में स्मोकी पे अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है मैं आपको इसके पास स्मोकी भी बता दूंगी, पहले ये देख लो फिर स्मोकी बता दूंगी।
मौके देखना है, देखना है। Thank you.
माइंड शेयर यूज किया है मैंने, ब्राउन पे भी जा सकते हैं।
ठीक है, आपकी इच्छा जैसा भी आपको करना है आप ले सकते हैं, ब्लू स्मोक भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, ब्राउन भी ले सकते हो, लेकिन आपका जो भी आप लेते हैं आपका बहुत स्पीड करना है, स्पीड में आपका हाथ होना चाहिए, फटाफट आपका हाथ चलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आप जो जेल लाइनर ले रहे हो ये बहुत जल्दी जल्दी आपका सूखता है, तो आपको इमिडिएटली क्विक एक्शन होना चाहिए। मैंने सबसे पहले जेल लाइनर लिया और उसे के ऊपर में आई शेडो मैंने यूज किया ब्लैक स्मोकी करते हैं तो आपको जो बाहर अच्छा बाहर नहीं निकालना है। इसीलिए साथ में हम डार्क ब्राउन ले सकते हैं, ऊपर की तरफ हमें डार्क ब्राउन मार्क्स करना है, रीजन भी आपका ब्लैक और ब्राउन का ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए, कहीं भी लाइन नजर नहीं आना चाहिए, ज्यादातर लोग स्मोकी बनाते हैं तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है, वो लाइन क्रिएट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपका जो है इसमें ग्रीन है या ब्लू ले सकते हैं, आप पर्पल पे जा सकते हो, और सबसे बड़ी चीज जो रिमूव करना है टेल नहीं आना चाहिए, एक शेप में रहेगा नजर आ जाएगा लाइट और इसका डार्क ब्लैक के बाद आपके ऊपर ब्लेंडिंग नजर आ रही है, ये वाला मैंने जेल लगाया है लेकिन उसका नजर नहीं आना चाहिए कि आपने जेल फॉर्म में आपने मर्ज किया है, राइट। अब आप दोनों आईज में अंतर देखिए, थोड़ा
आई शॉपिंग के बाद में अगर आपको लगता है इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, अगर मैं हंसाऊंगी नहीं तो सब सो जाएंगे, पता है मुझे तो मुझे बीच में जरूरी हो जाता है। सबने रोटी ज्यादा खाई है, कोरोना काल में निकलना मुश्किल हो रहा है घर से बाहर। होटल की रोटी मिली नहीं थी आज, मैंने आज 6 महीने बाद खाया। सभी ने मैडम, सभी ने सब लोगों ने 6 महीने बाद ही रोटी बनाया है। मैं खुद भी आज 6 महीने बाद मैंने ऑर्डर की मुझे खाई है, गाइड थी ना। और आज इस बार है एचपीओ के बार है, आज हम सब मिले हैं, आज हम साथ में बैठे हमने खाना खाया है। सही खड़ा करो, ऐसा ही सीधा, वैसे नहीं मांगना।